कल हम लास्ट थे रेल प्रेशर सेंसर पे। सो आपने कहीं पे अगर लोकली अगर कहीं चेक किया हो कि रेल प्रेशर सेंसर वगैरह कैसे हम लोग प्रेशर वगैरह चेक करें, तो नो डाउट अब हम आगे की तरफ चलते हैं। जो रेल पे लगा होता है DRV, ठीक है ना, ये 2 वायर का आता है। इसमें रहता क्या है, जो 2 वायर का जो ये सेंसर रहता है, कुछ गाड़ी के अंदर ये फ्यूज बॉक्स के थ्रू सिंगल वायर आता है 12 वोल्ट, किसी में ये ECME ऑपरेट करता है, और दूसरा वाला जो होता है वो होता है पल्स, जो ग्राउंड होता है, ठीक है ना। तो ये जनरली काम करता है जो रेल होती है अपनी, ठीक है ना। इधर अपना हो गया रेल प्रेशर सेंसर 3 वायर का, इधर लगा होता है DRV 2 वायर का। इसके ऊपर जो नोजल की पाइप पे लगी होती है, ठीक है ना, एक मेन और एक रिटर्न। तो ऐसे करके इस साइड में जो ये DRV लगा होता है, अगर इसी को अगर आप देखोगे तो इसे दूसरे तरीके से हम लोग मीटरिंग यूनिट देखते हैं। ठीक है ना, बिल्कुल एक ही जैसा है, थोड़ा सा दिखने में थोड़ा चेंजेस रहता है। तो आप एक काम कीजिए, इसमें जब भी आप गाड़ी पे चेक करें तो एक वायर पे 12 वोल्ट ऑलवेज आएगा, भले ये हो भले ये हो, मीटरिंग यूनिट हो या DRV हो। इनको चेक करने का एक ही तरीका है, इसको आप 12 वोल्ट सप्लाई देके एक बार एयर पासिंग, जो आपके पास एयर गन वगैरह रहती है उसके थ्रू आप चेक कर सकते हो। इसके आगे की तरफ एक छोटा सा होल आता है और पीछे की तरफ बड़े बड़े होल्स आते हैं जो रिटर्न के लिए काम आते हैं। तो वहाँ से आप चेक कर सकते हो कि ये जब ऑन कंडीशन पे रहता है, कुछ गाड़ियों में ये फ्यूल लीकेज करता है, कुछ गाड़ियों में ये फ्यूल को स्टॉप करता है। तो अलग अलग कंडीशन रहती है कि कंपनी ने किस सिस्टम का अंदर इलेक्ट्रिक सिस्टम बिठा रखा है। तो जनरली मार्केट के अंदर आपको पता ही है, बॉस होता है, मैग्नेट मरली होता है, डेंस होता है, डेल्फी होता है। तो सब भी कंपनियों के जो सेंसर आते हैं अलग अलग तरह से काम करते हैं, ये भी एक तरह का सेंसर ही है, बट ये एक तरह से कॉइल वाला सेंसर होता है। जैसे मैग्नेट बनाता है अंदर, एक वाल पोजीशन होता है, वो वाल को अप और डाउन करता है जिससे फ्यूल का प्रेशर लीकेज हो। कई बार क्या होता है ना, जो इसके आगे की जो नॉब होती है उसमें थोड़ा बहुत डस्ट वगैरह आने से फ्यूल के अंदर जाम हो जाता है, इसकी वजह से ये लीकेज नहीं कर पाता है। तो इन दिस केस गाड़ी के अंदर प्रॉब्लम क्या आएगी, जैसे गाड़ी का चलते चलते एकदम से बंद होना, रेल प्रेशर हाई हो जाता है ऐसे केसेस में, या फिर ये वर्किंग से आउट हो गया है और ये डायरेक्ट लीकेज मार रहा है तो रेल प्रेशर लो का कोड आएगा। तो इन दिस केस में आपको ये चेंज करना है। और वायरिंग चेक करने के 2 ही तरीके हैं, यहाँ पे एक छोटा सा 12 वोल्ट का चिप बल्ब होता है, ठीक है ना। जनरली आपको कहाँ मिलेगा, जो गाड़ी के साइड इंडिकेटर होते हैं उनके अंदर यही चिप बल्ब यूज़ होता है। तो इसको आपको इन दोनों वायर के साथ में कनेक्ट करना है, और गाड़ी जैसे आप इग्निशन ऑन करेंगे तो एक बार ये ग्लो होगा, ग्लो होने के बाद में बंद हो जाएगा। आफ्टर दें जैसे आप क्रैंकिंग करेंगे गाड़ी के अंदर, उस समय ये बार बार ग्लो होगा एक पल्स की तरह, मतलब जैसे इंडिकेशन कैसे होता है वैसे, कई बार थोड़ा स्लो जलेगा, कई बार एकदम से अच्छे से ग्लो करेगा। तो ऐसी कंडीशन में आपको ये देखना है कि अपना वायरिंग ओके है, ठीक है ना। अगर चिप बल्ब जला इट्स मीन्स वायरिंग ओके है, अगर नहीं जल रहा है तो ये जो पल्स वाला वायर होता है ये आपको ECM तक इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है। और ये जो 12 वोल्ट का रहता है, जो सेकंड वायर रहता है जो पॉजिटिव का रहता है, वो फ्यूज़ बॉक्स से थ्रू होके आता है, तो आपको फ्यूज़ बॉक्स के साथ में इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है कि वहाँ पे ये वोल्टेज आ रहा है या नहीं आ रहा। और ये आएगा किस कंडीशन में, जब ECM का मेन रिले ऑपरेट होगा, मेन रिले आफ्टर देन ही यहाँ पर ये 12 वोल्टेज आएगा, उससे पहले ये नहीं आएगा। तो ये हो गया आपका DRV और मीटरिंग यूनिट। इसके आगे चलते हैं हम लोग, जो गाड़ी के अंदर जनरली सेंसर हम लोग यूज़ करते हैं, जिनका हम लोगों को जनरली लाइफ में काम थोड़ा बहुत रहता है, लेकिन ये मेजर सेंसर है जिसकी वजह से गाड़ी बिल्कुल डेड हो जाती है। तो इसके बाद में आते हैं हम लोग एयर मार्क सेंसर। ठीक है ना, जनरली गाड़ियों में ये 2 सेंसर का एक कॉम्बिनेशन है, जिसमें ये एयर की क्वांटिटी भी दिखाता है और दूसरा रहता है एयर टेम्परेचर। ठीक है ना, तो ये एक ही सेंसर में 2 सेंसर
बिल्ट होता है, ये अधिकतर 5 वायर का होता है, किसी किसी में 4 वायर भी आते हैं और किसी किसी में 6 वायर भी आते हैं। मोस्टली जो यूज़ होता है वो 5 वायर होता है, आफ्टर देन 4 आफ्टर देन 6, ठीक है ना। अब इन सब का क्या क्या रहता है कि कौन से वायर में क्या आएगा, देखिए मैं आपको एक जनरल चीज़ दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। तो आप ये सोच लीजिए कि सभी जगह वैसे ही वोल्टेज आएंगे। तकरीबन मैं आपको बता देता हूँ, जहाँ टेम्परेचर की बात हो रही है, टेम्परेचर की, कुछ गाड़ियाँ में ही इंजन टेम्परेचर, जो टेम्परेचर टी होती है उस पर 5 वोल्ट आता है, अधिकतर टेम्परेचर केस में 12 वोल्ट ही आएगा पॉजिटिव में, अधिकतर जो आज तक मैंने फेस किया है, ठीक है ना। बाकी जो एयरमार्क सेंसर रहता है ये 3 वायर पे काम करता है, एक 5 वोल्ट जो पावर रहता है, एक 5 वोल्ट जो सिग्नल रहता है और एक आता है ग्राउंड। कभी कभी यहाँ पे 5 वोल्ट नहीं भी आते हैं, वो डिपेंड करता है कि कौन सी कंपनी का इलेक्ट्रिक सिस्टम बिठा रखा है गाड़ी पे। ये प्रॉपर ग्राउंड आएगा। आफ्टर देन एयर टेम्परेचर सेंसर, तो ये 12 वोल्ट प्लस ग्राउंड आता है, ठीक है ना। ये 2 वायर हो गए, ये एक ये दो। तो आप इतने में समझ लीजिए कि जहाँ टेम्परेचर की बात होती है वहाँ ज़्यादातर 12 वोल्ट ही आएगा। इसका बेसिक रहता क्या है कि गाड़ी के अंदर एयर कितनी आई और कितनी गर्म हवा है वो। अगर गर्म हवा रहेगी तो आप मानते ही हैं कि हवा की भी एक डेंसिटी होती है कि वो हवा गर्म होने पे थोड़ी सी बढ़ जाती है, प्रेशर उसका बिल्ड हो जाता है। उससे होता क्या है कि जैसे हम लोग इंजन के अंदर फ्यूल जैसे ही फायरिंग ऑर्डर पे आएगा, तो जो गर्म हवा अंदर गई हुई है तो उसका प्रेशर हाई रहेगा। तो इन दिस केस ECM ये सारा सब कुछ अपना एक रेशियो बनाता है कि ऐसे टाइम में मेरे को कितना फ्यूल का मिक्सचर बनाना है और कितना एयर का बनाना है। तो उस मिक्सचर को मेंटेन रखने के लिए हम लोग ये एयर मार्क सेंसर को यूज़ करते हैं, ठीक है। आफ्टर देन टेम्परेचर, कि उस एयर का टेम्परेचर कितना है, कि वो जब कम्बिशन चैम्बर में ये एयर और फ्यूल जाएगा तब तो वहाँ पे कितना प्रेशर बिल्ट होगा, वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ठीक है। इसी से रिलेटेड फिर जो अपना सेंसर काम आता है वो रहता है बायोमेट्रिक प्रेशर सेंसर। ये करता क्या है, जैसे एयरमार्क सेंसर काम करता है, आज के टाइम में हर गाड़ी के अंदर टर्बो यूज़ होता है, टर्बो चार्जर, जो ज़्यादातर आपको दिखाई देगा इंजन के बिल्कुल आउटलेट पे, जहाँ से इंजन की एग्जॉस्ट गैस बाहर से निकलती है वहीं पे लगा होता है। करता क्या है ये सेंसर, वो मैं आपको बता देता हूँ। ज़्यादातर हम लोग ये बोलते हैं कि ये टर्बो की एयर को हम लोग काउंट कर सकते हैं, कि टर्बो की एयर इंटेक जो रहता है, जहाँ पे एयर इंजन के अंदर एंटर होगी उसके बीच में और टर्बो के बीच में जो इंटरकूलर रहता है, इन सारी चीज़ों के बीच में एयर का प्रेशर कितना बना हुआ है, कि इंजन में वाल्व कितनी देर ओपन होने के अंदर कितना एयर अंदर जाएगा और टर्बो को कितना ऑपरेट करना है, ये बायोमेट्रिक सेंसर जो है वो इसी हमको बताता है कि किस समय टर्बो को कितना ओपन करना है, कितना क्लोज करना है, इससे एयर का प्रेशर कितना बना रहे इंटरकूलर और अपने इंटेक मैनिफोल्ड के बीच में। ये ज़्यादातर होता है अपना 3 वायर का, ठीक है ना। इसमें रहता क्या है, 5 वोल्ट पावर, 5 वोल्ट सिग्नल और ग्राउंड। कई केसेस में अलग अलग वोल्टेज रहते हैं लेकिन जनरली यही रहेंगे, तो आपको यही चेक करना है। इसके ख़राब होने से रिजल्ट क्या आएगा, टर्बो अच्छे से काम नहीं कर पाएगा, गाड़ी के अंदर आपके बायोमेट्रिक प्रेशर सेंसर का एक फोल्ड गोल्ड शो करेगा, ठीक है ना। वायरिंग चेक करने का तरीका, 99% केसेस में मैंने आज तक देखा है वायरिंग में इश्यू होता है, ECM में आता ही नहीं है। क्योंकि होता यह है कि इंजन साइड की वायरिंग गाड़ी की ज़्यादा रनिंग कंडीशन पे वाइब्रेशन की वजह से वायरिंग अंदर से
वाटर डैमेज हो जाती है और धीरे 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 वायरिंग में रेजिस्टेंस बन जाती है। इससे ये प्रॉपर 5 वोल्ट इसको मिल नहीं पाता है या सिग्नल मिल नहीं पाता या ग्राउंड कहीं से वीक हो जाता है। इन दिस केस अपने को सिर्फ वायरिंग ही चेक करना है, ECM तक ये फॉल्ट नहीं आता है। अगर आपको ECM पे चेक करना है तो कुछ नहीं करना है, आपको ECM के जो मेन पिनआउट्स होते हैं जो इंजन साइड के होते हैं उस साइड में आपको इन तीनों पे ऑनबोर्ड कनेक्शन पे क्या क्या बन रहा है ये चेक करना है। अगर तीनों प्रॉपर आ रहे हैं तो नो डाउट गाड़ी की वायरिंग में भी फॉल्ट है, ज़्यादा आपको ECM में कुछ देखने की इसमें ज़रूरत ही नहीं है। इसके बाद में जो इम्पोर्टेंट रहता है अपना वो रहता है टेम्परेचर, वाटर टेम्परेचर, जिसको हम लोग जनरली गैरेज लाइन में बोलते हैं टेम्परेचर टी, ठीक है ना। ये सेंसर क्या करता है, इंजन के ब्लॉक पे लगा होता है, बिल्कुल जहाँ से रेडिएटर से होके जो रेडिएटर होता है पानी ठंडा रखने के लिए, बिल्कुल ये समझ लीजिए जैसे ही इंजन पे वो रेडिएटर से जब पानी मूव करके इंजन के ब्लॉक के अंदर एंटर होता है तो वहीं पे एक एल्बो लगी होती है बड़ी सी, प्लास्टिक भी हो सकती है और एल्यूमिनियम की भी हो सकती है, तो उसके ऊपर ये माउंटेन होती है। इसमें ज़्यादातर केसेस में दो ही वायर होते हैं, ठीक है ना, एक अपना रहता है ग्राउंड का और एक रहता है 5 वोल्ट का, ज़्यादातर 5 वोल्ट का रहता है, किसी किसी में आपको 12 वोल्ट भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये टेम्परेचर जो कैलकुलेट करता है ये जनरली वर्किंग क्या करता है कि इस सेंसर के अंदर कुछ ऐसा केमिकल कंपाउंड होता है, जैसे जैसे वो हीट होता है ना वैसे वैसे उसकी रेजिस्टेंस कम होती है, बढ़ती नहीं है कम होती है रेजिस्टेंस। इसमें से ये समझ लीजिए कि कोई वायर को हम लोग शॉर्ट कर रहे हैं, अगर वो ज़्यादा लेंथी है तो उसको शॉर्ट करेंगे तो वो पूरा वायर हीट होने में एक टाइम लेता है, बट एक छोटा वायर है बैटरी के साथ में अगर हम लोग उसको शॉर्ट कर रहे हैं तो वो तुरंत हीट हो जाता है क्योंकि उसकी लेंथ कम है, तो रेजिस्टेंस वैसे ही काम करती है। तो यहाँ पे होगा क्या, जैसे जैसे टेम्परेचर हाई होगा वैसे वैसे रेजिस्टेंस डाउन होगी और उस रेजिस्टेंस के साथ में ये जब 5 वोल्टेज जो एक लो एम्पियर का एक वोल्टेज रहता है वो ग्राउंड ट्रिगरिंग से डाउन होगा, ठीक है ना, ये डाउन होता रहेगा, ये वोल्टेज डाउन होता रहेगा। तो यही आपको कैलकुलेट करना है, मल्टीमीटर आपको इस 5 वोल्ट पे सेंसर पे पिन लगी होनी चाहिए और इस 5 वोल्ट जो वायर होता है उसके साथ में आपको अटैच करके पावर, ठीक है ना, आपको DC वोल्टेज चेक करना है और दूसरा रहेगा आपका ग्राउंड के साथ में मल्टीमीटर का वायर, ठीक है ना। फिर आप जैसे गाड़ी स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट करने पे जैसे जैसे इंजन हीट होगा वैसे वैसे ये टेम्परेचर डाउन के, ये टेम्परेचर तो होगा हाई बट जो ये वोल्टेज है ना ये डाउन होगा, ये वोल्ट है ये टेम्परेचर, जैसे टेम्परेचर हाई होगा ये वोल्टेज डाउन होगा। एक कंडीशन ऐसी आ जाती है कि ये मल्टीमीटर अपना कंटिन्यूटी देने लगता है जब गाड़ी अच्छे से हीट होती है। और ओवरऑल सेगमेंट में मैं आपको बता देता हूँ कि गाड़ी के अंदर अगर आपका ओवर टेम्परेचर ले रही है गाड़ी या फिर कोई ऐसा फॉल्ट आ रहा है, फैन चल नहीं रहा है, ऐसे केसेस में सिर्फ आपको ये टेम्परेचर टी ही चेक करनी है। अगर इसकी पिन आप बाहर निकालेंगे तो इसका रेडिएटर फैन डायरेक्ट हो जाएगा, ECM उसे ऑन कर लेगा क्योंकि रिटर्न में ECM को यह 5 वोल्टेज कंप्लीट पूरा मिल रहा है, यह ओपन सर्किट है। ऐसे केसेस में जब ECM को लगता है कि कोई भी मेरे को रिटर्न सिग्नल नहीं मिल रहा है वोल्टेज डाउन कंडीशन में या अप कंडीशन में, जब आप पिन प्लग करते हैं ना तब यहाँ पे 4.67 के करीब वोल्ट बनता है और जब पिन प्लग नहीं करते हैं तो ECM को कम्प्लीटली 5 वोल्टेज रिटर्न मिलता है। तो ECM ऐसे ही पता करता है कि सर्किट ओपन है या सर्किट क्लोज है, अगर क्लोज है तो 4.67 के करीब, 4.60 के करीब यानी कि एक पॉइंट फोर्टी मिली एम्पियर वोल्टेज इसे डाउन रिसीव होगा। तो वैसे ECM को पता लगता है कि आपका जो टेम्परेचर टी के साथ में वायर कनेक्ट है या नहीं है, तो वैसे ही ECM को पता लगा अगर ये 5 वोल्टेज कम्प्लीट रिटर्न में मिला तो ECM रेडिएटर फैन ऑन करेगा। रीज़न यही है कि ECM ये चाहता है कि इंजन डैमेज ना हो, इंजन जितना हो सके ठंडा रहे। और टेम्परेचर केस में आपने कई बार देखा होगा कि फ़ैन वर्किंग ही नहीं करता, वर्किंग ही नहीं करता, तो आपके पास में अगर अच्छा डायग्नोस स्कैनर है तो वहाँ पे लाइव डेटा पैरामीटर में जाएंगे तो 94
ठीक है ना, जब 94 की जब रीडिंग आएगी, टेम्परेचर कितना ले रहा है, तो 94 का जब टेम्परेचर लेता है, इस दिस केस में ही फैन ऑन होता है। इससे पहले अगर ऑन हो रहा है, अगर गाड़ी पानी फेंक रही है, तो ऐसे केसेस में अगर आपका टेम्परेचर बढ़ रहा है, वोल्टेज डाउन हो रहा है, फिर भी फैन नहीं चल रहा है, उससे पहले ही गाड़ी में अगर पानी ज़्यादा बॉयल हो रहा है, गाड़ी से बाहर आ रहा है, ऐसे केसेस में आपको मैकेनिक को ही गाइड करना पड़ेगा। मैकेनिक आपको सजेशन अच्छे से दे पाएगा कि गाड़ी में रियल में प्रॉब्लम क्या है। क्या होता है ना कि जो ऊपर की तरफ जो हेड लगा होता है, अगर गाड़ी बगैर पानी के चली होती है, तो वो ज़्यादा हीट होने की वजह से वो चिपक जाता है इंजन के साथ में, तो कम ही टाइम में गाड़ी में पानी गर्म होने लगता है, गाड़ी पानी उठाना चालू कर देती है, लेकिन अपने सेंसर सही होते हुए भी फ़ैन ऑपरेटर नहीं होता। तो ऐसे केसेस में अपना जो मैकेनिक भाई है, उससे सजेशन लीजिए कि भैया हुआ क्या है। क्या होता है ना, ऐसे केसेस में जो गाड़ी का इंजन का जो हेड गैस्केट है वो जल जाता है, तो ऐसे केसेस में फ़ैन चलेगा भी नहीं और गाड़ी पानी फेंकेगी। ठीक है भैया, आफ्टर देन कल बात करते हैं इसी मैटर पे।